अभी का इस टाइम हो रहा है 7। हम भी सर से सपोर्ट करा, उन्होंने मेरे सॉन्ग में मुझे सपोर्ट करा। एक 12th क्लास का बच्चा, उसका एक ऑफिशियल सॉन्ग आया। बेटा तुम डिस्टर्ब कर रहा है बात करके। जाम का हिसाब ना मिला। नीड अब सिर्फ 27 डेज बाद। ये रहा मेरा गिटार, से हाय टू माय गिटार। तो आज गाइस हमारे चैनल पे हो गए 35 के सब्सक्राइबर्स। इस चीज का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा गाइस कि आपने मुझे इतना सपोर्ट करा। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से, और आई एम सो सॉरी क्योंकि मैं स्टार्टिंग से व्लॉग आज स्टार्ट नहीं किया, लाइक मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं किया। और आज था मेरा AITS, और मैंने आप सभी को बोला था कि मैं आपको मिलाऊंगा करण आयुष दोनों से, तो मैंने आज उन दोनों से भी नहीं मिलवा पाया आप लोगों को। तो इसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस, दिल से सॉरी। एक्चुअली पता सीन क्या हुआ? सीन ये था कि आज मैं जब उठा और फोन लेने जब गया तो देखा मैंने चार्जर तो चार्ज में लगा रखा है, बट मैंने स्विच को ऑन नहीं करा था। मतलब ये सब मेरे साथ बहुत 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 बार होता है कि मैं चार्ज में लगा दिया और स्विच को ऑन करना भूल गया। तो आज वही हुआ मेरे साथ, और उसके बाद तो ये ऐसे टूट गया। तो उसके बाद गई पूरा मूड खराब हो चुका था, बट टेस्ट था तो मूड खराब ज़्यादा नहीं करना था, टेस्ट भी देना था। तो मैं ऐसे चला के क्लास, फिर हमने टेस्ट दिए, फिर टेस्ट देने के बाद करण चला गया अपने घर पे, और आयुष चला गया अपने घर पे, और मैं आ गया अपने घर। सो सॉरी गई कि मैंने आज करण और आयुष से आप लोगों को नहीं मिलवा पाया। और टेस्ट देने के आने के बाद मैं आके खाना खा के फिर सो गया था, क्योंकि मैं बहुत लेट सोया था कल रात को, अराउंड 1:30 बजे मैं गया था सोने के लिए। और उसके बाद 4:30 में मैं उठ भी गया था क्योंकि टेस्ट भी था। और उसके बाद जाके मैंने टेलीग्राम पे मैसेज करा था, क्या करा था आप जाके देखो टेलीग्राम पे। तो हैप्पी 35K सब्सक्राइबर्स गाइस, हम लोग अब 35K स्ट्रॉन्ग हो चुके गाइस, और ये सब आप लोगों के कारण है और मेरे पेरेंट्स की बदौलत है। लाइक आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पे आने के बाद सपोर्ट किया, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं यूट्यूब पे आ पाया। और पेरेंट्स मुझे गाइस हमेशा सपोर्ट करते हैं, और मेरा भाई भी, और मेरे कजन्स भी मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, और अब फ्रेंड भी मुझे करते हैं मेरे सपोर्ट्स, लाइक करण आयुष, लाइक मेरे करण और अर्जुन करण आयुष। तो गाइस पेरेंट्स मेरे, लाइक मेरे मॉम डैड मुझे हमेशा से सपोर्ट करा, उन्होंने मेरे सॉन्ग में मुझे सपोर्ट करा कि एक 12th क्लास का बच्चा, उसका एक ऑफिशियल सॉन्ग आया एज लाइक बॉलीवुड टाइप, उसने सॉन्ग रिलीज करा। और ये सब ऐसे नहीं होता है, अगर आपके पास पेरेंट की सपोर्ट है तो सब कुछ उसके बाद ही पॉसिबल होता है, क्योंकि उसमें फिर म्यूजिक बनाना, म्यूजिक प्रोडक्शन, म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग, रिकॉर्डिंग, लिरिक्स खरीदना, कंपोजिशन, बहुत बहुत कुछ होता है। फिर म्यूजिक वीडियो का शूट, एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, बहुत 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 कुछ होता है, और कोट वोट का भी काम होता है उसमें। तो ये सब कुछ मेरे पेरेंट्स के कारण ही पॉसिबल हुआ है, उनके सपोर्ट के बिना मैं यूट्यूब पे भी नहीं आता। क्योंकि एज अ नीट एस्पिरेंट आप यूट्यूब पे आ रहे हो, और अगर पेरेंट्स ना सपोर्ट करें तो ये भी बहुत मुश्किल होता है। तो उसके बाद जो कुछ भी हुआ मेरी लाइफ में, उसके बाद जितना प्यार मुझे आप लोगों से मिला, और ये आप लोगों के बिना कभी पॉसिबल था नहीं गाइस, तो इस चीज़ का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा आप लोगों का। और थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। तो प्लीज़ गाइस हमेशा ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच गाइस, दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों को। तो अब चलता हूँ मैं पढ़ाई करने के लिए, मिलता हूँ आपसे इस स्लॉट के बाद, फिर करेंगे और बातें, ठीक है? तो अभी मैं करूँगा बायो से स्टार्ट अपनी पढ़ाई। और वैसे वैसे संडे गाइस और AITs भी था तो पढ़ने का एकदम मन नहीं कर रहा, बट पढ़ाई करना पड़ेगा क्योंकि नीट अब सिर्फ 27 डेज बाद है, तो करना पड़ेगा पढ़ाई। तो अभी करता हूँ पढ़ाई स्टार्ट, फिर मिलता हूँ, ठीक है? नकली मित्र मत रखो, ये नकली मित्र है, सुनो।
अभी गाइज मेरी फर्स्ट स्लॉट हो चुकी कंप्लीट और अभी मैं कर रहा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अपने क्लास के लेक्चर देख रहा था क्योंकि मैंने क्लास में वो लेक्चर मतलब मिस कर दिया था, इसलिए मैंने अभी कर लिया वो कंप्लीट चैप्टर अपने प्रवीण सर के वीडियो से मतलब लेक्चर से। तो अभी मैंने कर रहा है वो चैप्टर कंप्लीट और अब मेरा डिनर आ चुका है। अभी डिनर वाले भी अलग गए थे डिनर, तो अभी करता हूँ मैं डिनर। और आज गाइज डिनर में है चिकन और चावल, तो भी खाते हैं। और ऐसे भी आज संडे है, मैं एक हफ्ते बाद खा रहा हूँ चिकन गाइज। खाने के बाद मैंने बनाया चाय, वो भी तंदूरी वाला चाय गाइज। अब गाइज मैंने खाना भी खा लिया है और मैंने चाय भी पी ली है, तो अब मैं करूंगा सेकंड स्लॉट स्टार्ट। और इस स्लॉट में मैं करूंगा केमिस्ट्री, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री में भी कुछ चैप्टर रहते हैं और एज यू नो कि मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक है गाइस, मतलब मेरा एक केमिस्ट्री वीक है, तो कोई नहीं स्ट्रॉन्ग करना उसको भी जल्दी करेंगे। तो जल्दी क्या मतलब, अब कितना टाइम ही रह गया है। अभी करता हूँ केमिस्ट्री, फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है? फिर मिलता हूँ आपसे। टाइम हो चुका है 2:02 और आज डेट हो गया गाइस 10 अप्रैल। तो अब गाइस मेरा आज का लास्ट स्लॉट भी हो चुका है खत्म और अभी मैंने करा है केमिस्ट्री का हाइड्रोजन और ये था मेरे आज के दिन का लास्ट स्लॉट, क्योंकि कल अब उठना भी है तो इसके अलावा मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, फिर तो कल उठ नहीं पाऊंगा जल्दी, ठीक है? तो बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भैया अब सॉन्ग नहीं सुनाते हो अपने वीडियो में, तो एक सॉन्ग आप लोग के लिए, फिर मैं जाके सो जाऊंगा, तो अभी गाता हूँ सॉन्ग आपके लिए, ठीक है? तो गाइस ये रहा मेरा गिटार, से हाई टू माई गिटार। अभी मैं जो सॉन्ग गाऊंगा वो एक सॉन्ग नहीं है, लाइक एक्चुअली एक फीलिंग है वो सॉन्ग, मतलब बहुत ही प्यारा सॉन्ग है वो, तो अभी सुनो आप, फिर एंजॉय करो सॉन्ग को, ठीक है? जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख ले, है चांद में भी दाग भी ना तुझ में एक भी, खुद को और मैं लिरिक्स गलत गा दिया भाई, गाइस लिरिक्स गलत गा दिया मैंने, लिरिक्स गलत गा दिया एक्चुअली। ये पैराग्राफ का लाइन मतलब ये अंतरा का लाइन है, इस गाने का अंतरा है, तो मुझे ये लाइन याद नहीं अभी आ रहा है, तो मैं आपको इसका मुखरा सुनाता हूँ, ठीक है? मुखरा जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसको मुखरा बोलते हैं संगीत में। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा जिस्म का रे रुआ तेरे हवाले कर दिया। आई होप आपको ये सॉन्ग पसंद आया होगा गाइस, तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, मैं इसको अच्छे से मतलब याद करके अच्छे से प्रिपेयर करके आपको सुनाऊंगा एक दिन ज़रूर। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो पता है क्या करना, लाइक करना है, और अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।